नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। तुलसी से करें ये उपाय, सुधर जाएंगे बिगड़े बच्चे, लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। शायद कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चाहे तुलसी के पौधे पर कितना ही पानी क्यों ना डाला जाए, उसकी कितनी ही देखभाल क्यों ना की जाए, वह अचानक मुरझाने या सूखने क्यों लगता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जल्द ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। शास्त्रों में ये बात भली प्रकार से उल्लेखित है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। जहां दरिद्रता, अशांति और कलह का वातावरण होता है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से होता है, क्योंकि बुध का रंग हरा होता है और वह पेड़ पौधों का भी कारक माना जाता है। बुध को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो अन्य ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव को व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो उसका असर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर भी होगा, और अगर कोई अच्छा फल मिलने वाला है तो उसका असर भी बुध ग्रह से जुड़ी चीजों पर दिखाई देगा। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वास्तु के अनुसार तुलसी को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखने के लिए उसे दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम किसी भी स्थान तक लगा सकते हैं। अगर तुलसी के गमले को रसोई के पास रखा जाए तो किसी भी प्रकार की कलह से मुक्ति पाई जा सकती है। जिद्दी पुत्र का हठ दूर करने के लिए पूर्व दिशा में लगी खिड़की के सामने रखें। कारोबार की चिंता सताने लगी है, घर में आय के साधन कम होते जा रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी तुलसी पर हर शुक्रवार कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे किसी सुहागन स्त्री को दे दें, इससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और ऑफिस में आपका कोई सीनियर परेशान कर रहा है तो ऑफिस की खाली जमीन पर या किसी गमले में सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज किसी सफेद कपड़े में बांध कर ऑफिस जाते ही दबा दीजिए, इससे ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाएं रोजाना पंचामृत बनाकर शालिग्राम का अभिषेक करती हैं तो घर में कभी भी वास्तु दोष की हालत नहीं आएगी। शास्त्रों में तुलसी को एक वैद्य का दर्जा भी दिया गया है, जिसका घर में रहना अत्यंत लाभकारी है। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक चरण में तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। अब जानिए शास्त्रों के अनुसार बताई गई तुलसी के संबंध में कुछ खास बातें। इन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन हैं एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग के तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। रोज करें तुलसी का पूजन। हर रोज तुलसी का पूजन करना चाहिए। यहाँ बताई जा रही सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हर शाम तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तुलसी घर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर शुभ असर होता है। तुलसी का पौधा घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नजर। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नजर प्रभावित नहीं कर पाती है, साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है, सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। सूखा पौधा हटाने के बाद
तुरंत लगा देना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है, इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी के पत्ते चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व भी विद्यमान होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं है, अतः तुलसी के पत्तों को बिना चबाए निगलना चाहिए। शिवलिंग और गणेश पूजन में वर्जित हैं तुलसी के पत्ते। यूं तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, पर शिव पूजन और गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए पुराणों में दो कथा बताई गई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड का वध किया था, जिसके फलस्वरूप ना तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और ना ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें दो विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।